आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का और आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज के दिन व्रती ढलते सूरज को नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। बता दें कि इस पूजा में व्रती बांस की टोकरी और सूप लेकर उसमें 5 तरीके का फल और पूजा का सारा सामान लेकर जाते हैं। अर्घ देते हुए पूजा करने के बाद सारा सामान लेकर घर आते हैं। पूरी रात जागते हुए छठी माता के गीत गाए जाते हैं। वहीं इस पर्व को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है। हर तरफ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पष्टी के कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक मनाया जाता है। ये पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता आता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्ति होती है इसकी। महिलाएं ये व्रत संतान की दीर्घ आयु और परिवार की सुख संपत्ति, सौभाग्य और खुशहाल जीवन की कामना से रखती हैं इस पर्व को। छठ महाभारत में वैदिक काल से, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो छठ महाभारत में भारत में वैदिक काल से ही मनाया जाने वाला बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा, उन्हें अर्घ देने का विधान है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत को मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। और हम आपको सीधे अब लिए चलते हैं गोरखपुर में, देखते हैं कि छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां बनी हुई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ेंगे और वो गोरखपुर का नजारा दिखाएंगे इस बार। हिमांशु, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कोरोना के 2 साल बाद इस बार महापर्व छठ को लेकर? हिमांशु, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कैसा माहौल दिख रहा है वहां पर, आप वहां पर दिखा सकते हैं हमारे? Thank you.
बता दें कि ये पर्व साल में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक चैत्र शुक्ल पक्ष में। बता दें कि आप अभी गोरखपुर से तस्वीर देख रहे थे जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, वो राजघाट पुल के नदी के पास वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। बता दें कि आपको ये आज छठ पर्व का तीसरा दिन है जहां आज महिलाएं व्रती महिलाएं नदी में तालाब में आज सूर्य को अर्घ देंगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष पष्टी पर मनाए जाने वाले छठ को लेकर पर्व की चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने को लेकर आज आप तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे थे जहां पर राजघाट में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और आप राजघाट पुल से देख रहे थे, गोरखपुर से तस्वीर दिखाई जा रही थी। महिलाएं व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पूरी रात गाना गाती हैं। और आप गोरखपुर से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर श्रद्धालु राजघाट पर पहुंच चुके हैं, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए छठ पर सूर्य की पूजा फलदायी मानी गई है। आपको बता दें कि छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाओं में सूर्योपासना के इस पर्व से कई कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं की बात करें तो छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई, शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। और गोरखपुर से हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर देखेंगे श्रद्धालुओं में क्या कुछ माहौल देखने को मिला है। कोरोना के दो साल बाद इस तरह का छठ महापर्व मनाया जा रहा है। हिमांशु, आप किस घाट पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ वहां पे श्रद्धालुओं से बात करिए, कैसा लग रहा है उन्हें कोरोना के दो साल बाद ये महापर्व की धूम में देखने को मिल रही है हर तरफ? एकदम सभी यहाँ पे आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर से जो है देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है घाटों पर, वहां श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में मौजूद हैं। प्रभांशु, तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, घाटे किस तरह से सजे हुए हैं। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। बता दें कि लोक आस्था का छठ महापर्व को लेकर पूरी तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, वातावरण सज चुका है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, छठ घाटों की साफ सफाई पूरी हो चुकी है, हर तरफ घाट सजा दिए गए हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, सब जगह आज सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपने व्रत को आज एक समापन, कल समापन किया जाएगा इस व्रत का। बता दें कि लोक आस्था का छठ महापर्व को लेकर हर तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। पूजा समितियों द्वारा जलाशय तक आने वाले मार्ग में जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाते हैं। दो साल बाद छठ घाटों पर आस्था का नजारा देखने को मिल रहा है। अभी हमने आपको गोरखपुर से तस्वीर दिखाई, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, किस तरीके से घाटों को सजाया गया है। वहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और भगवान सूर्य को आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती महिलाएं आज घाटों में जलाशय में जाकर अंदर भगवान सूर्य को आज अर्घ देंगी। बता दें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। अभी हमने आपको गोरखपुर से तस्वीर दिखाई थी। बता दें कि आज व्रती महिलाएं जलाशय में डुबकी लगाती हैं, अपने हाथों में सूप लेकर, उसको दोरा या सूप जो भी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, उसको लेकर जो वो जल में खड़ी रहती हैं, भगवान सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं इसको लेकर। और बता दें जलाशय में डुबकी लगाते वक्त महिलाओं के हाथ में जो सूप या दौरा होता है उसमें नारियल, अगरबत्ती, कई सारे फल रहते हैं। महिलाएं उसको लेकर जलाशय में खड़ी रहती हैं, भगवान सूर्य को आज अपना उपासना देती हैं। हम चलते हैं सुल्तानपुर, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं, वहां का नजारा देखेंगे कि क्या कुछ महापर्व छठ को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है। आशुतोष, क्या कुछ सुल्तानपुर में देखने को मिल रहा है, महापर्व छठ की आज तीसरा दिन है। जी बिल्कुल, आज छठ का तीसरा दिन है, बिल्कुल लेकर सुल्तानपुर में तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। और हम आपको यहाँ पे घाट का हम आपको सबसे पहले नजारा दिखा दें, किस तरह की यहाँ के आस्था एक लगाव है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे घाट का दिखाएं, किस तरह का यहाँ भीड़ है, किस तरह और जिस अपनी छठ पूजा की तैयारी और परंपरा के साथ चल रहा है, परंपरा जो है चलती चली जा रही है काफी दिनों से, और लोगों के अंदर खुशियाली भी नजर आती है, उनका यह कहना भी होता है हम बच्चों की मनोकामना को लेकर छठ की पूजा शुरुआत करते हैं। आशुतोष, किस तरह का वहां पर नजारा है, घाटों की किस तरह की सजावट की गई है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह किया गया है? घाटों की हम बात करते हैं, घाटों के लिए जो है अच्छी ढंग से सजावट देखने को मिल रही है। सजावट को लेकर जो है पूरी कवर की व्यवस्था भी गई है प्रशासन द्वारा। हम आपको जगह जगह पे दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की भी टीम टहल रही है, यहाँ पीछे हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके प्रशासन की पूरी टीम लगी है, कोई घटना भी ना हो पाए, ना कोई घटना क्राइम दे पाए। घटना के साथ साथ जो है पूरी प्रशासन की हर एकदम चारों तरफ से चार कवन की व्यवस्था भी है, महिलाएं अपना शांतिपूर्वक से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पूजा पाठ के साथ साथ जो है हम आपकी यहाँ पे भी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह की पूजा यहाँ चल रही है और कैसे आस्था एक लगाव दुखती है। आशुतोष, देखा जाए कोरोना के दो साल बाद फिर वही माहौल देखने को मिल रहा है, इस बार श्रद्धालुओं से जानिए किस तरह की उनके अंदर उत्साह है, खुशी है इसको लेकर। जी बिल्कुल, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की तैयारी है,
हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आज छठ पूजा है, किससे की रौनक देखने को मिल रही है? पहली बार है, रौनक कैसी लग रही है आपको देखने में? किस दिन पूजा होती है? जिस तरह इनका ये कहना है, पहली बार यहाँ पे देख रही हैं, बाकी अच्छी रौनक भी दिख रही है इनके कहने पे। और आज डूबते हुए सूरज को, कल निकलते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे, उसी के बाद समापन हो जाएगा। और काफी तादाद संख्या में, लगभग 10,000 की संख्या में भीड़ होती है। आशुतोष, वहाँ का थोड़ा और हमें नजारा दिखाइए कि श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ है, कैसी सजावट घाटों की गई है। ये बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम अपने कैमरामैन से, जिससे कि यहाँ पे तैयारी पूरी हम दिखाएंगे। तैयारी को लेकर जो है पूरी स्वागत की पूरी व्यवस्था भी है, तैयारी भी रौनक भी है, ढोल बज रहा है। लोग दीपावली के बाद जो है डाला छठ जो है दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हमारे बगल जो है प्रशासनिक को लेकर जो है पूरी खास तैयारी है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, कोई घटना को भी अंजाम नहीं देगा, कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी, और सावधानी से लोग अपनी पूजा पाठ की परंपरा पूरी तरह से रहेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। बता दें कि दीपावली बाद छठ महापर्व की शुरुआत होती है नहाए खाए खरना से, और आज छठ का तीसरा दिन है, जहां आज व्रती महिलाएं जलाशय में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को आज अर्घ देती हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज में जगह जगह पर देखा, गोरखपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, फिर सुल्तानपुर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है छठ महापर्व को लेकर देखने को मिले, घाटों पर, नदियों पर, जहाँ एक तरफ से देखा जाए तो हर तरफ श्रद्धालुओं के इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिले। कोरोना के 2 साल बाद इस त्योहार का इस तरह से हर्षोल्लास के साथ देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं और घाटों पर तोरण लगाए जाते हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। आज बता दें कि लोक और आस्था छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, महिलाएं आज जलाशय में खड़ी होकर भगवान सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। उनके हाथों में एक सूप होता है जिसको आज महिलाएं जलाशय में लेकर खड़ी रहती हैं। वहीं अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो महाभारत से भी इस कथा का जुड़ाव बताया जाता है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। तो पौराणिक कथाओं से लेकर और आज तक इस महापर्व का हर्षोल्लास देखने को मिलता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक एक और कथा प्रचलित है, इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करना शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया करते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज आप भी छठ में अर्घ दान की परंपरा हर जगह देखने को मिलती है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई और आपने देखा कि महाभारत और रामायण से भी ये कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि जब राम सीता 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध करने के बाद से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया गया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्योदय की उपासना करने का आदेश दिया, जिसके बाद फिर माता सीता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय को समय से फिर अनुष्ठान कर सूर्योदय से आशीर्वाद प्राप्त किया था।
तो इस तरह था ये पौराणिक कथाओं की बात किया हमने, जहाँ छठ पर्व को लेकर आपने पौराणिक कथाओं के बारे में जाना। और अब देखा जाए तो छठ पर्व 6 दिनों का होता है, दीपावली के 6 दिन बाद। धूम देखने को मिल रही लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद में, देखते हैं कैसा माहौल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, क्या माहौल कुछ है गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है? कोरोना के 2 साल बाद ऐसी तस्वीर शायद देखने को मिल रही है। और तो उल्लास से यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा की जा रही है छठी मैया की। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, एक बार देखिए मेरे पीछे किस तरह से गीत गाए जा रहे हैं छठी मैया के लिए। खास तौर पर ये त्योहार बहुत ही बड़ा माना जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना काल के बाद जिस तरह से अब जो छठ मैया के लिए जिन लोगों ने व्रत रखा है, काफी बड़ी मान्यता है इस चीज को लेकर। खासतौर पर जो लोग इस चीज को रखते हैं, छठी करके पूरा व्रत रखना पड़ता है, निर्जला व्रत होता है खासतौर पर। और उसके बाद अब जो ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, उसके बाद सुबह ही 4 बजे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर सभी महिलाएं एकत्र होकर और सभी की सभी यहां पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर में सभी महिलाएं बड़े भव्य तरीके से पूजा। प्रवीण, आप बता दें कि आज तीसरा दिन है जहां महिलाएं, व्रती महिलाएं जलाशय में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। बताया जाता है कि डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाता है, फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस व्रत की समाप्ति की जाती है। आपने हर तरह गोरखपुर से हमने आपको तस्वीर दिखाई, फिर सुल्तानपुर से, और अब गाजियाबाद से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह का वहाँ माहौल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि लोकगीत पूरी रात महिलाएं गाती हैं और छठ व्रत किया जाता है। देश भर में छठ महापर्व की धूम मची हुई है। आज ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। महिलाएं देखा जाए तो हर जगह श्रद्धालु घाटों पर पहुंच चुके हैं। सजावट एक अलग तरीके से देखने को मिल रही है, हर तरफ वही हर्षोल्लास दिखने को मिल रहा है छठ पर्व को लेकर। बता दें कि आज ठेकुआ एक प्रसाद होता है जो आज छठ में बहुत ही उसका महत्व होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। ठेकुआ एक प्रसाद के रूप में होता है छठ में। भगवान सूर्यदेव के फलों के प्रसाद के अलावा शुद्ध घी से बने ठेकुए का भोग लगाया जाता है। ठेकुआ छठ पर्व की प्रमुख पहचान बताई जाती है। शाम को जब अर्घ दिया जाता है तब सूप में ठेकुआ भी शामिल रहता है, ठेकुआ भी शामिल रहता है, जिसके लिए ठेकुआ बनाने का कार्य व्रती महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे कि अभी महिलाएं जलाशय में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। अस्ताचलगामी सूर्य को, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस व्रत की समाप्ति की जाती है। माना ये भी जाता है कि ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें महिलाएं, पुरुष जो भी अपनी भक्ति के साथ इस व्रत को रखते हैं 36 घंटे निर्जला व्रत रहते हैं। का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
इस त्योहार की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन गंगा के पवित्र जल से स्नान करके खाना बनाया जाता है। इस दिन चने की दाल, लौकी, सब्जी और रोटी का सेवन किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि छठ महापर्व में हर चीज़ें प्राकृतिक तरीके से होती हैं, जो प्रकृति देती है उसी को इस छठ महापर्व में लिया जाता है। कोई भी चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं रहती हैं। नहाए खाए के बाद खाने में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है, जहां खरना के दिन व्रत करने वाले लोग प्रसाद बनाते हैं और ठेकुआ मेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है। इसमें खरना में प्रसाद में खीर बनाई जाती है, खीर में चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है। और बता दें कि शाम को पूजा के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं लोग। फिर प्रसाद ग्रहण के बाद निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन नदी के किनारे छठ माता की पूजा की जाती है। जैसा कि आज तीसरा दिन है, आप जगह जगह पर देखेंगे कि घाटों को सजाया गया है, किस तरीके से आज घाटों को सजाया गया है, पूरा तोरण से, फूलों से, और देखा जाए तो जगह जगह फलों से भी लोग घाटों को सजाए रखते हैं। तीसरे दिन में नदी के किनारे छठ माता की पूजा की जाती है। पूजा के बाद डूबते हुए सूर्य को गाय और दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही छठ का विशेष प्रसाद, जैसा कि मैंने बताया, ठेकुआ और फल चढ़ाया जाता है। बता दें कि पारंपरिक भक्ति गीत गाती हैं महिलाएं, महाप्रसाद बनाती हैं और लोक गीत होता है, जो पारंपरिक गीत होता है आप छठ महापर्व पर आपको सुनाई देगा। हर जगह अभी भी गीत चल रहे हैं। माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि छठ माता उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं जो इस व्रत को बहुत ही आस्था के साथ रखता है। ये हिंदू धर्म के पवित्र कार्तिक माह के छठवें दिन मनाया जाता है। ये मान्यता है कि भगवान सूर्य की एक बहन थी जिसका नाम था छठ माता, इसलिए लोग उनकी बहन को प्रभावित करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से माना जाता है। अब इसका प्रचलन देश से लेकर विदेशों तक भी होने लगा है। बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश, असम में हर जगह अब इस पर्व का धूम दिखाई देने लगा है। हर तरफ ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। बता दें कि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज महिलाएं, व्रती महिलाएं संध्या अर्घ देती हैं। छठी पूजा का सबसे प्रमुख दिन होता है। बता दें कि शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं आज अपने हाथों में सूप या दौरा जो भी ली रहती हैं, उसमें फल होते हैं, ठेकुआ, चावल, लड्डू, गन्ना, मूली और इस तरह कई सारे फल प्राकृतिक तरीके से लिए गए रहते हैं उस सूप में। परिवार के सभी लोग आज नदियों पर, घाटों पर एक साथ मिलकर जाते हैं, एकत्रित होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। माना यह भी जाता है कि हिंदू धर्म में सूर्य देव की उपासना, ज्योतिष महत्व होता है। बता दें कि सभी देवी देवताओं में सूर्य ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को दिखाई देते हैं, सबको दिखाई पड़ते हैं। शास्त्रों में सूर्यदेव को इसको समूचे जगत की आत्मा भी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, जिसमें आज महिलाएं छठी मैया के पूजा के लिए आज घाटों पर जाती हैं और वहां पर जलाशय में खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। लेकिन सायंकाल में बांस की टोकरी में छठ पूजा में शामिल सभी पूजा सामग्री, फल और पकवान आदि को अर्घ के सूप में या दौरे में सजाया जाता है। अर्घ के समय सभी लोग पवित्र नदी में एक साथ जाकर एकत्रित होती हैं, महिलाएं वहां पर।
बात करें तो आज लोक आस्था का छठ महापर्व को लेकर हर तरफ धूम मचा, हर तरफ तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हर घाटों पर, जहां पर ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की लगती है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर तरफ छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। लोक गीतों से, छठ मैया के गीतों से हर तरफ लोग इस आस्था के महापर्व में वहां पर घाटों पर जा रहे हैं। बता दें कि आज महिलाएं जलाशय में वहां पर जल में खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं 36 घंटे तक। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं बता दें छठ पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, इस दिन सर्वप्रथम घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने आसपास में स्थित नदी में, तालाब में जाकर स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, वो भी जो कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। वहीं दूसरे छठ के दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन को खरना या लोहंडा छठ पर्व माना जाता है। लोहंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। वहीं शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। इन्हीं दो चीजों को पुनः सूर्योदय को, सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांतवास में करते हुए ग्रहण किया जाता है। और अब हम आपको सीधे कानपुर लिए चलते हैं, वहां से देखेंगे कि छठ मैया के पर्व को लेकर किस तरह से माहौल बना हुआ है। कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, छठ महापर्व की कानपुर में किस तरह से धूम मची हो, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मैं बता दूं कि छठ का महापर्व शुरू है और शाम का आज किया जाएगा, जिसके तहत मैं दिखाना चाहूंगा कि कितनी भीड़ है इस टाइम। पनकी नहर पे, कानपुर का एक बहुत बड़ा नहर है, और उसके अलावा लोग यहाँ पे लगभग 47वां वर्ष है पंक्ति में, 46 वर्ष हो चुके हैं, 47वां वर्ष है। और 47 कानपुर के घाटों में पनकी घाट एक जो है सबसे बड़ा घाट माना जाता है। और इस घाट पर हालांकि आज नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में बोला है, और जो उनके मन की बात में भी बोला कि लगभग आज 94वां उनका प्रोग्राम था मन की बात का, उस प्रोग्राम में उन्होंने बोला है कि सोलर ऊर्जा पे भी उन्होंने ज्यादा बोला है, महिलाओं को जिस चीज पे गौर किया है। जी, क्या वहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत हो सकती है, उनके मन में क्या उत्साह चल रहा है कोरोना के 2 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है? हेलो, वहाँ के श्रद्धालुओं से क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है? अनिल से हमारा संपर्क टूट गया है और हम लगातार उनसे जानेंगे कि आपने देखा कि किस तरीके से कानपुर में भी घाटों को सजाया गया है। श्रद्धालु वहां पर अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर घाटों पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर श्रद्धालु देखे, आपने देखा कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, अब इस कानपुर से भी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि घाटों को सजाया गया है, वहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ देंगी और इसके बाद कल सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, फिर इस व्रत की समाप्ति होगी।
वहाँ पे सभी परिवारजन, मित्र, रिश्तेदार अपनी आस्था लेकर, अपनी मनोकामनाएं लेकर और अपनी इच्छाओं को लेकर वहाँ पर घाटों पर पहुँच चुके हैं। देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को हर तरफ मिल रही है। घाटों पर आपने देखा, हमने गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, कानपुर से तस्वीरें दिखाई किस तरह घाटों को सजाया गया है, सुरक्षा को चाक चौबंद वहां पर किया गया है और महिलाएं और श्रद्धालु, जितने भी व्रती महिलाएं हैं श्रद्धालु, वह वहां पर पहुंच चुके हैं और अपनी आज आस्था लेकर, अपनी मनोकामनाएं लेकर घाटों पर मौजूद हैं। बता दें कि अस्त होते सूर्य को छठ का पहला अर्घ्य देने के बाद व्रती अगले 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत धारण कर आज भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंची हुई हैं। दूध और जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है पूरी रात। इसके बाद महिलाएं वहां पर लोकगीत गाती हैं। आज छठ का तीसरा दिन है, संध्या अर्घ, छठ पूजा का तीसरा दिन काफी खास माना जाता है। बता दें कि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ, अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद से महिलाएं आज अपना व्रत रखती हैं। फिर इसके बाद कल भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर कल व्रत की समाप्ति करेंगी। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ कचुनमनिया बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी रहती है, जिसे दौरा या सूपा कहा जाता है। उसमें प्रसाद रहता है फल डालकर और उसको सजाया जाता है। आपने घाटों पर देखा होगा, पूरे उस दौरे को देखा होगा, जहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर वहां पर पुरुष अपने हाथों से उठाकर उसको घाट तक ले जाते हैं। इस पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। संपूर्ण आयोजन में महिलाएं प्राय छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट की ओर जाती हैं और जैसा कि आपने देखा कि सारे श्रद्धालु घाटों पर पहुंच चुके हैं। नदी के किनारे माता छठ का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखा जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, दीप रखे जाते हैं और वहां पर दीप को प्रज्वलित भी किया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर दिया जाता है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, राजधानी लखनऊ में देखा जाए किस तरीके से माहौल बना हुआ है घाटों पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, कैसा माहौल है लखनऊ में? जी, मैं इस समय लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सिस्टर अपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे छठी मैया का पूजन प्रारंभ हो गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उगते सूरज को अर्घ दे करके जो यहाँ पे माताएं हैं वो पूजन पाठ कर रही हैं। मैं एक बार कैमरा मैन से कहूंगा कि सारे दृश्य को दिखाएं किस तरीके से पूजन पाठ यहाँ पे किया जा रहा है, कैसे अर्घ दिया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सभी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, और पूरी तरीके से पूजन पाठ का कार्यक्रम यहाँ पे छठी मैया का प्रारंभ हो गया है। देख रही होंगी कि प्रसाद किस तरीके से करके और अर्घ दिया जा रहा है। आप देखिए पानी में उतर के कैसे लोग यहाँ पे लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा लखनऊ से सीधी तस्वीर, यह है कि छठी मैया का जो पूजन हो रहा है यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा है। इस परिसर के काफी निवासी यहाँ पे है और ये सृष्टि अपार्टमेंट कुर्सी रोड का ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ इस समय। तस्वीर जो आपको, आपके सामने वीडियो है, आप देखिए किस तरीके से पूरा पूजन पाठ हो रहा है। रितेश, अब वहां पर किसी श्रद्धालु से बातचीत हो सकती है क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है, क्या उत्साह है उनके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बात करूंगा। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं मैं उनसे बात करने की एक बार कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक माता जी बैठी हैं, मैं एक बार बात करूंगा और पूछूंगा उनसे कि छठी मैया का पर्व जो यहाँ पे आप पूजन करने के लिए बैठी हुई हैं, 2 साल कोरोना के बाद जैसे आज यहाँ इतना लोग इकट्ठा है, तो किस तरीके से पूजा होती है, क्या मान है मान के पूजा छठ मैया के पूजन के बारे में बताइए।
कार्तिक माह के चौथे के दिन मनाया जाता है, इसलिए किनारे मनाया जाता है। और क्या है पूजन पूजन को करने के लिए किस तरीके से जो है आप लोग पूजा में क्या मनौती होती, कैसे पूजा को प्रारंभ करते हैं? सबसे खास बात यह है कि यही एक पूजा है जो उससे शुरू की ही होती है और उससे शुरू की बात पूजा होती है और तीन दिन का पूरा व्रत होता है। पहले दिन खाई खाए का मतलब होता है कि उसमें शुद्धिकरण हो जाता है, उनसे कोई भी अभी आपने देखा कि उन्होंने बताया कि नहाए खाए से ये पूजन प्रारंभ होता है, किसी प्रकार का प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है पूजन में। उसके बाद अगले दिन सूरज को अर्घ देकर के ये पूजन की जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग बात करने के लिए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से छठी मैया का पूजन होता है और कैसे अर्घ दिया जाता है, क्या होता है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और जानते हैं कैसी पूजा होती है, माता जी कैसे मनाते हैं। चलिए और लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि छठी मैया का पूजन आज यहाँ पे कृष्ण पाटवन में हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं? जैसे कोरोना के बाद में ये पर्व पहली बार ऐसा मिल रहा होगा कि जितने धूमधाम से हो रहा है। बहुत ही धूमधाम से हरसाल ही मनाया जाता है और मेन चीज है इसमें प्रकृति की पूजा होती है विश्व भर में और यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब भी बना दिया गया है जिससे यहाँ के जितने भी रहवासी हैं सभी आराम से आकर के अपनी पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बहुत खुशी। और भी हमारे लोग हमारे साथ बात करने की है, यहाँ कृषि अपार्टमेंट के एक जो है रवि शर्मा जी, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे पूजन हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह व्यवस्थाएं की गई है और कैसा पूजा होगा, कितने दिन तक यहाँ के पूजन की विधि है। विगत 3 वर्षों से तीसरा वर्ष है पूर्वांचल वाले लोगों का ये अच्छा और बहुत ही पावन त्योहार है और इसको हम लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और यहाँ हम लोग कृत्रिम तालाब का भी हम लोगों ने बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो पश्चिमांचल से हूँ लेकिन पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर थोड़ा अपना पूजन पाठ करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को यहाँ पर हम चाहेंगे कि और जो आसपास के लोग हैं जो भी आकर अपना यहाँ पर तालाब में पूजन कर लें क्योंकि ये सूर्य उपासना का पर्व है और बहुत ही महान पुण्य वाला पर्व कहलाता है। तो आपने सुना कि सूर्य को अर्घ देकर के इस पूजन की विधि है, इस पूजा को किया जाता है। मेन अगर इसको देखा जाए तो इस पूजन का जो मेन साथी की जो कहा जाता है कि बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है, वैसे सुख समृद्धि और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। और भी कुछ लोग हैं, हम एक बार चलेंगे वहां तक बात करने की कोशिश करेंगे और आपको तस्वीरों में भी हम दिखाते रहेंगे किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके की। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ और बात करूंगी, जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से छठी मैया का पूजन यहाँ पे होता है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, किसी को जानकारी हो तो आप अच्छा करते अभी इन्होंने जो जानकारी दी कि बच्चों के लिए ये पूजन पाठ किया जाता है। अभी हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए जो हमसे जुड़ रहे हैं, सीधे वो जानकारी देना चाहेंगे कि पूजन का क्या महत्व है और साल में ये पूजन हालांकि 2 बार होती है लेकिन अभी जो पूजन हो रहा है इस समय दीपावली के बाद इस पूजन का ज्यादा महत्व है। बिल्कुल महत्व है क्योंकि ये हमारा एक सज्जता शो करता है देव और प्रकृति के लिए कि हम फल फूल और हिंदू समाज कितना समृद्ध और कितना अच्छी सोच रखता है कि हम प्रकृति के हर एक जो भी फैक्टर उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं इस पूजा के और संतान के लिए भी है, देशों के संतान के लिए है, घर की सुख समृद्धि के लिए ये छठ मैया है। संतान के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए पूजन को किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और पूजन पाठ कर रहा है। और हमारे साथ एक लोग और जुड़ रहे हैं, इसी परिसर के निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे
कि यहाँ पे किस तरीके का पूजन पाठ और कब से हो रहा है। कोरोना के बाद से हालांकि बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत पूजन करने में दिक्कतें होती थी, घाट पर नहीं पहुंच पाते थे, तो आप लोगों ने यहाँ किस तरीके की व्यवस्था की है और कैसे हो रहा है? इस परिसर में बहुत सुंदर व्यवस्था है और सारे रहवासी लोगों के लिए जो है यहाँ पर आसपास के भी जो दूसरे भी रहवासी हैं उनका भी स्वागत है। और यहाँ पर तालाब की व्यवस्था, पूजन की वेदी की व्यवस्था, शाम को अर्घ देने की व्यवस्था, सुबह के पूजन की व्यवस्था सारी बहुत चाक चौबंद चौकस है। और हमारे विवेक शर्मा जी जो है बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं और सारे लोग मिलजुल करके बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को यहाँ पर मनाते हैं और कभी कोई किसी भी किस्म की विघ्नबाधा नहीं है। और निश्चित रूप से छठ का त्यौहार जो है वो आज बहुत ही बड़े रूप में और बड़े आकार में मनाया जाता है, चढ़ते हुए सूरज को और अस्त होते हुए सूरज को दोनों की पूजा का इसमें प्रावधान है और बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। और इसको जो है वो सारे बड़े बड़े शहरों से लेकर के हर जगह आज इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग बड़ी सुविधा के साथ और बड़े ही मनोयोग के साथ यहाँ सृष्टि परिसर में इस त्यौहार को सदैव मनाते आए हैं, कभी कोई बाधा नहीं है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ अस्त होते हुए सूरज को अर्घ दे करके यहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने पूजन पाठ किया। अभी सुबह 4 बजे फिर से यहाँ पर पूजन उसी तरह से प्रारंभ होगा, जब उगता सूरज होगा तब उसके बाद में। और हम आपको दिखाते हैं पूरे क्षेत्र का, पूजन पाठ का प्रावधान है कि नदी पे जाकर के ही पूजा पाठ किया जाता है। तो वहाँ ये लोग वहाँ अगर नहीं पहुँच पाए तो इन्होंने अपने ही क्षेत्र में अपने प्रांगण में ही जगह को खोद करके यहाँ पे जल भर के फिर उसके बाद पूजन अर्चन प्रारंभ किया। देखा जाए रितेश, तो जैसा कि आपने अभी दिखाया जो महिलाएं घाटों पर नहीं पहुंच पा रही हैं वो अपने ही आसपास क्षेत्र में घाटों का जो जलाशय होता है उसको बनाकर अपना व्रत रख रही हैं, अपनी आस्था को दिखा रही हैं। तो आपने अभी दिखाया, तो क्या अभी देखा जाए तो अभी छठ जो व्रती महिलाएं हैं अभी सूर्य को अर्घ देकर इसके बाद फिर वो लोक गीतों के साथ घर चली जाएंगे, फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और फिर इस व्रत की समापन करेंगी। अभी जो अभी ये पूजन पाठ जो यहाँ पे हो रहा है, अभी ये पूजा होगा उसके बाद यहाँ पे लोक गीतों का भी कार्यक्रम, जो महिलाएं हैं वो गीतों का भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, फिर पूरे समय इनका व्रत रहेगा। कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर के फिर इनका व्रत पूरा होगा। इस तरीके की यहाँ व्यवस्था की गई है। जैसे घाट पे ना पहुंच पाना एक ये भी समस्या हो रहा था इस समय कि लोग वहाँ घाटों पर बहुत भीड़ हो जाया करती थी, अव्यवस्थाएं हुआ करती थी, इस वजह से यहाँ प्रांगण में ही जगह था तो इन लोगों ने कृत्रिम स्थान बना करके वहाँ पे जल भर के फिर सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और इस तरीके से यहाँ पे पूजन प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है, आपने देखा कि किस तरीके से जो श्रद्धालु घाटों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपनी आस्था को अपने घर के आसपास तालाब में या खुद जलाशय बनाकर वहां पर व्रती महिलाएं खड़े होकर अस्तलचलगामी सूर्य को आज अर्घ देंगी। आपने अभी तस्वीरों में देखा कि लखनऊ से, गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, कानपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से आज घाटों में भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है और सारी तैयारियाँ की गई हैं छठ घाटों को लेकर। वहां पर व्रती महिलाएं पहुंच चुकी हैं, भगवान सूर्य को आज अर्घ देंगी। कुछ ही देर बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाएं आज लोक गीतों के साथ फिर घर वापस चली जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं घाटों पर नहीं पहुंच पा रही हैं वो इस तरीके से अपनी आस्था को दिखाने के लिए अपने आसपास में जलाशय में घाट बनाकर और पूजा अर्चना कर रही है वहां पर। और आज आपको बताया कि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है जिसको आज महिलाएं, व्रती महिलाएं आज जलाशय में खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। इसके बाद फिर वो कल सुबह आएंगी, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर और इस व्रत की समाप्ति करेंगी। आपने देखा होगा कि व्रती महिलाओं के हाथ में वो दौरा होता है या सूप, क्षेत्रीय भाषा में उसे सूप कहा जाता है, जिसमें पूजा और अर्चना का सारा सामान रहता है, फल रहता है, अगरबत्तियाँ रहती हैं, अपनी आस्था में
खास ध्यान रखा जाता है, जिस तरीके से साफ सफाइयों का ध्यान रखा जाता है, महिलाएं छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट पर जाती हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, कानपुर से, इसके बाद फिर लखनऊ से आपने देखा। बता दें कि माता का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जैसा कि आपने हर जगह से देखा, व्रती महिलाएं पहुंच चुकी हैं, अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। वहीं अगले दिन बात करें तो सूर्य का अर्घ चौथा यानी अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती जन घाट पर उगते सूर्य की पूजा करती हैं महिलाएं सभी, और फिर सुबह ही संध्या पर अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रस्थापित कर दिया जाता है। महापर्व का आज तीसरा दिन है, आस्था व लोक का पर्व। आज हर तरफ धूम मची हुई है छठ महापर्व को लेकर। आपने देखा कि घाटों को सजाया गया है, कोरोना की 2 साल बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। सारे श्रद्धालु घाटों पर पहुंच चुके हैं। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य के अर्घ देने के लिए पानी में खड़ी होकर भगवान डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ देंगी। बता दें कि इस पर्व में भगवान सूर्यदेव के फल का ठेकुआ को बहुत ही महत्व माना जाता है। ठेकुआ एक प्रसाद के रूप में होता है जो भगवान सूर्य को आज भोग लगाया जाता है। भगवान सूर्य के फलों के प्रसाद के अलावा शुद्ध घी से बने ठेकुओं का भोग लगाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठेकुआ छठ पर्व की प्रमुख पहचान है। शाम को जब अर्घ दिया जाता है तब सूप में ठेकुआ भी शामिल रहता है, जहां महिलाएं जो सूप में नारियल और फल लेकर तैयार रहती है उसमें ठेकुआ भी रखा जाता है। बता दें कि छठ महापर्व में सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होती है। सारी चीज़ें जो प्राकृतिक तरीके से होती हैं, चाहे गन्ना हो, नारियल हो, चाहे सारे फल हो, वो सारी प्राकृतिक चीज़ों को लिया जाता है उसमें। बता दें कि इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है, गंगा के पवित्र जल से स्नान कर नहाए खाए किया जाता है इसके पहले, और इसके बाद फिर खरना किया जाता है। और आज तीसरा दिन है जहां महिलाएं आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। इसके बाद कल फिर महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति करेंगी। बता दें कि ये भारत में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सभी महिलाएं पुरुष अपनी आस्था के अनुसार इस व्रत को रखते हैं, फिर घाटों पर जाते हैं और भगवान सूर्य को डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसकी समापन की जाती है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर देखेंगे कि अभी लखनऊ में और किन किन जगहों पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। विभांशु, क्या माहौल है अभी लखनऊ में, कैसा तैयारी की गई है, और देखा जाए कोरोना के 2 साल बाद ऐसा माहौल हर जगह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पूरे जोश और उल्लास के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इस लक्ष्मण मेला मैदान में लगभग 40 सालों से यहां पर छठ घाट का बनाया गया है और छठ घाट पर 40 सालों से लोग पूजा कर रहे हैं। नंदनी, अगर बात की जाए तो ये त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नेपाल और पश्चिम बंगाल में प्रमुखता से साथ मनाया जाता था, मगर आप जोश लोगों का देख सकती हैं और आस्था कि ये पूरा राजधानी लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। वही तस्वीर में आपको दिखाई जाए तो
आज छठ का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो छठ व्रत करने वाले लोग होते हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ जो है तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो गन्ने का वो है गन्ने से सजावट की गई है, इसे साफ तौर से आप समझ सकती है कि यहाँ पे कोसी धारा जा रहा है, यानी कि छठ माता पे उन्होंने मन्नत मांगी है और मन्नत पूरा होने के बाद अब जो यहाँ देख रही है यहाँ कोसी धारा जा रहा है। वही आपने बताया मैंने इस त्योहार को लेकर लखनऊ नगर निगम की तरफ से विशेष तैयारी की गई है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाए कि नदी की आस पास में सफाई की गई है, साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। वही आपको बताए यहाँ तमाम लोगों से बात किया जिसमें खास तौर से लोग अब लखनऊ के भी छठ का व्रत मना रहे हैं। वही नंदी जी आपको बताए कि इतनी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। वही अभी कुछ वक्त पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, वो यहाँ आकर और मेला में शिरकत किए, मेले में आकर उन्होंने अचमन किया, अचमन करके कहीं ना कहीं गोमती नदी में अचमन करके और यहाँ पूजा पाठ किया। वही आपको बताएं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री विदेश पाठक आए हुए थे, वो यहाँ आकर और वो भी अचमन किए, पूजा अर्चना किए, साथ ही पूजा अर्चना किए। साथ ही अगर बात की जाए तो कई आला अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, अगर बात की जाए तो दुर्गा शंकर मिश्र भी आए हैं, ऐसे तमाम अधिकारी आज यहाँ आए हैं अपनी आस्था और श्रद्धा को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पूरे कानून व्यवस्था का जिम्मा पीयूष मौर्या के हाथों में है, उनकी अगुवाई में पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए इस त्योहार को भव्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस मेले जो ये दुर्गा प्रांगण है इसके आयोजन प्रभुराज राय के अथक विरासत के द्वारा आज राजधानी लखनऊ में वहाँ के श्रद्धालुओं से क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्यों कैसा लग रहा है दो साल बाद कोरोना के इस तरह से माहौल बना हुआ है, वहाँ के श्रद्धालुओं से क्या कुछ बातचीत हो सकती है? वेटिंग रूम बनाया गया है और अगर बात की जाए तो यहाँ हेल्थ डेस्क भी बनाया गया है और स्वास्थ्य संबंधी किसी को दिक्कत हो तो उसके लिए एक मेडिकल काउंटर भी बनाया गया है। नगर निगम की तरफ से यहाँ प्याऊ की व्यवस्था की गई है। वहीं आप देख रहे हैं कि ढोल नाते नगाड़ों के बीच श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को लेकर आस्था को लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो व्यवहार होता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की परिवार के सलामती और साथ ही साथ समृद्धि का ये त्योहार है और इसको लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तस्वीरों में देख सकती है कि यहाँ एक छठ माता की प्रतिमा पर पूरी व्यक्तिगत तरीके से महिलाएं बैठ कर छठी मैया का आराधना कर रहे हैं। और मंदिर अगर बात की जाए तो अगर इस त्योहार में दूर दराज से लोग भी आए हैं जो यहाँ आकर बसे हुए हैं या किसी कारण से वो जा नहीं पाए हैं, तब वो अपने त्योहार को पूरे अगर देखा जाए पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ छठ के त्योहार को मना रहे हैं। वही मैं लोगों की बात करूँगा और नदियों में से एक है गोमती नदी जिसको कहीं ना कहीं
हमें ये बताइए ये पूर्वांचल और ये बिहार का त्यौहार आज राजधानी लखनऊ में इतने देखा जाता है श्रद्धा के साथ श्रद्धालु मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको देखे दृष्टि को देखे के बाद दो सालों के बाद ये त्योहार आप खुले आसमान के नीचे मना रही हैं। कोरोना काल खत्म हो चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी उत्सुकता थी? बहुत खुशी है, दो साल कोरोना था हम लोग कर नहीं पाए थे, इसके बाद हम लोग बहुत खुशी में है कि कल महापर्व हम लोग की सुबह खत्म हो जाएगी। तो हम जी धन्यवाद, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि छठ के इस महापर्व को उनका क्या कहना है। मैम कहाँ से आई है और छठ के इस महापर्व पे क्या कहेंगे आप? हम बिहार से ही रहने वाले हैं, आस्था और भावना का प्रतीक है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है। अच्छा देखा जाए तो पूर्वांचल बंगाल और बिहार के बाद अब छठ को एक विश्व में भी एक अलग पहचान मिली है, आज लोग पूरा विश्व मना रहा है, कितनी खुशी होती है इस चीज को देख के। किसी भी त्योहार से हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, हम कुछ मनौतियाँ मन्नत रखते हैं, जब हमारी वो मन्नतें पूरी होती है, हमारी आस्था पूरी होती है, तो जाहिर बात है कि कोई भी करेगा, कोई भी धर्म इसको मानेगा करेगा। बात की जाए तो यहाँ सभी व्यवस्थाएं की गई है और ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिहार में नहीं है? बिल्कुल बिहार जैसा ही जितना कुछ भी हमारी सरकार से हो चुका उत्तम से उत्तम व्यवस्था है, हमें बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है कि हम बिहार में ही मौजूद हैं। तो हम यो चाहते हैं कि भोजपुरी में छठ माई के को गीत हो जाओ। बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को जरूर आपके गाने पसंद आएंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुख समृद्धि का ये त्योहार लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं और छठ के इस महापर्व पे आप दोनों का क्या कहना है? हम देवरिया जिला से आए हैं। क्या कहेंगे छठ के महापर्व पे, आपको क्या महसूस हो रहा है कि आप देवरिया से बाहर है इस वक्त? हम छठ करते हैं देवरिया से, हम लोगों के आइए, बहुत बड़ा पर्व है ये, बहुत बड़ा पर्व इसको माना जाता है, सबसे बड़ा पर्व है देवरिया जिले के, ये जैसे बिहार का ही है ये, लेकिन अब काफी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम तो प्रॉपर लखनऊ के ही हैं, लेकिन हमें तो कुछ पर, लेकिन हमें देख के इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ बयान नहीं कर सकता। अच्छा देखा जाए तो ये जो आप टीका लगाती है इसको नाक से और मांग तक लगाया जाता है, शादी में ऐसा टीका देखा जाता है, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि ये जैसे छठ में हम लोग के यहाँ जैसे भोजपुरिया समाज में छठ में इसको लगाया जाता है, और जब शादी में सिंदूरदान होता है तब लगाया जाता है, और कोई बड़ा पर्व होता है तो जैसे छठ सबसे बड़ा पर्व होता है और इसी से लगाया जाता है, ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और अगर देखा जाए तो हर एक त्योहार के पीछे एक संदेश होता है, छठ के पीछे हर त्योहार के पीछे एक संदेश होता है, छठ के पीछे क्या विशेष संदेश है? छठ के पीछे क्या संदेश होता है, ये बहुत बड़ा पर्व माना गया है हमारे यहाँ का, भोजपुरिया समाज का ये है, जैसे भोजपुरी समाज का ये छठ है। एक होटल का गाना भोजपुरी में, हमारे दर्शकों को आपके गाने बहुत पसंद आएंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार सबका तमाम राज्यों में लोग देख रहे हैं। जी जी भोजपुरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और हमें बहुत ये मिली हुई है, बहुत जगह Yeah.
आराम से बात करने के लिए आप दोनों का, तो आपने साफ तौर से नंदिनी देखा कि जो श्रद्धालु है वो पिपासा विश्वास को लेकर जहाँ गाने गा रहे हैं, जो लोक संगीत है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए नजर नहीं आ रही है, और साथ ही जो छठ के महापर्व में तमाम गीत होते हैं, तमाम लोकगीत होते हैं, उसको आपने अभी सुना और हमारे दर्शकों ने, तो कहीं ना कहीं उनके गानों से देखा जाए तो पूरा प्रांग भरा हुआ है, और ढोल और नगाड़ों के बीच कहीं ना कहीं इस त्यौहार को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए विभांशु, जिस तरीके से श्रद्धालुओं के मन में उत्साह उमंग देखने को मिला, महिलाओं ने लोक गीत गाया और वहां पर ढोल नगाड़े की आवाज आ रही, तो बिल्कुल कोरोना के 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि ये पर्व एक बिल्कुल महापर्व की तरह ही दिख रहा है, और लोगों में जो जोश दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है, ढोल नगाड़ों के साथ इस पर्व का जो वहां पर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये पर्व महापर्व ही दिख रहा है वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने दिखाया कि वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला, ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं ने अपने लोक गीत को गाया, और जिस तरीके से महिलाओं में वो उत्साह देखने को मिला था छठ महापर्व को लेकर, कोरोना के 2 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो आपने देखा कि छठ महापर्व का आज 3रा दिन था, महिलाएं जलाशय से भगवान सूर्य को अर्घ देकर बाहर निकल रही थी, और आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में वहां पर जो माहौल देखने को मिला, बिल्कुल ये पर्व महापर्व ही दिख रहा था ढोल नगाड़ों के साथ। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो बिल्कुल माहौल देखने को मिल रहा था कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हुए थे ढोल नगाड़ों के साथ, महिलाएं बिल्कुल सिंदूर लगाए हुए दिख रही थी, लोक गीतों का वहां पर महिलाओं ने अपना गायन शुरू किया, तो बिल्कुल छठ पर्व का आज 3रा दिन था, बेहद खास माना जाता है आज 3रा दिन, क्योंकि भगवान सूर्य को आज डूबते हुए सूर्य को, मतलब अस्त होते हुए सूर्य को आज अर्घ देकर महिलाएं अपने लोक गायन और गीतों के साथ घर वापस लौटती हैं, फिर अगली सुबह भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति करेंगी। व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रहती हैं। आपने देखा कि लखनऊ से, गोरखपुर से, सुल्तानपुर से, कानपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई घाटों को लेकर, वहां पर सुरक्षा का किस तरीके से व्यवस्था किया गया था, घाटों पर किस तरीके से सजावट की गई थी, श्रद्धालु कितने उत्साह और उमंग में दिख रहे थे वहां पर, हर घाटों पर हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई थी। छठ महापर्व का आज 3रा दिन था, जहां व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने घर लौटेंगी, लोक गायन लोक गीतों को गाते हुए महिलाएं घर पे लौटती हैं, उनके साथ उनके परिजन जो होते हैं, रिश्तेदार मित्र, सभी अपनी अपनी श्रद्धा लेकर, आज देखा गया है कि किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए थे घाटों पर, और क्या बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी आज, जिस तरीके से कोरोना से 2 साल बाद इस तरीके की भीड़ देखने को मिली, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए थे। अभी आपने देखा कि लखनऊ के रामंडल से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री भगवान सूर्य को अर्घ देने पहुंचे हुए थे,
नगाड़ों के साथ, गीत गायन के साथ हजारों की भीड़ देखने को मिल रही हर जगह, हर घाटों पर, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है घाटों पर, नदियों, और देखा गया कि जिस तरीके से श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर, मनोकामना को लेकर घाटों पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर बाद महिलाएं सूर्य को अर्घ देकर घर वापस लौटेंगी। अब आपको सीधे लेके चलते हैं मऊ, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां का नजारा दिखाएंगे। क्या कुछ मऊ में है इस बार देखने को मिल रहा है? देखा जाए यहां मैडम, इस बार हर साल से बहुत काफी हलचल देखने को मिली है, काफी भीड़ रही है, कोई हिसाब नहीं था। इस बार जिस तरह से बाढ़ जिस तरह से आई थी, और उसी तरह लोग वेट कर रहे थे कि लग रहा है कि हम लोग इस बार घाट जो है नदी किनारे नहीं कर पाएंगे, उसी को लेकर, और दो दिन के अंदर में इतना नदी जो जलस्तर नीचे चला गया, जो लोगों के मन में उत्साह था, वो आदमी उत्साह अपना जगाए। कमलेश, वहां पर क्या हमें दिखा सकते हैं, क्या कुछ नजारा है वहां पर, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर अपनी मनोकामना और इच्छाएं लेकर पहुंचे हुए हैं? जी मैडम, आपको दिखा दें कि अब तो समय अर्घ देने का हो चुका, खत्म हो चुका है मैडम। लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और देखिए आप देख सकते हैं रोडों पे कि किस तरह लोग अपने घर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश। क्या जब तो आपने देखा कि हर जगह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गोरखपुर से, लखनऊ से, कानपुर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है छठ महापर्व को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।